नमस्कार दोस्तों, वारिके चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इम्यूनिटी बूस्ट हनी केक विद आलमंड। बहुत टेस्टी और यमी केक है एंड सुपर मॉइस्ट केक है, आप जरूर ट्राई कीजिए। उसके लिए लगने वाली सामग्री है, और एक बात, मेजरमेंट में थोड़ा ध्यान दीजिए, मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केक। लेट सी द इंग्रीडियंट। 1.5 कप मैदा, 1/2 कप रवा, 3/4 कप शुगर, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1/4 कप मिक्स फ्रूट जैम, 1/4 कप हनी, 1/2 कप कर्ड, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 पिंच सॉल्ट, 1/2 कप आलमंड, 1/2 कप कोकोनट ऑयल, 1/2 कप मिल्क। यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल लिया है क्योंकि केक में मुझे नटी फ्लेवर अच्छा लगता है, आप जरूर ट्राई कीजिए। इसके रिप्लेसमेंट में आप एनी फिल्टर ऑयल, आप सनफ्लावर ऑयल यूज कीजिए। दोस्तों पहले ड्राई इंग्रेडिएंट को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैदे में हम पहले रवा मिक्स कर देंगे, रवा डालेंगे, फिर इसी में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड सॉल्ट इसमें में डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक मैंने मिक्सिंग बॉल लिया है, उसी में हम पहले शुगर डालेंगे। इसमें 2 टीस्पून को हम बाजू में रखेंगे थोड़ा सिरप के लिए, इतना शुगर हम बाजू में रख रहे हैं। इसी में हम कोकोनट ऑयल, कर्ड एंड मिल्क, इसको अच्छे से डाल के शक्कर को मेल्ट होने तक मिक्स करना है। दोस्तों ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसी में अभी हम वेनिला एसेंस डालेंगे, 1 टीस्पून डालना है। अच्छे से मिक्स करना है। ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट है ना, इसमें 1 टीस्पून है ना मैं आलमंड में डालूंगी, इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये इसमें क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि आलमंड नीचे नहीं बैठेगा, ऊपर रहेगा वो बैटर में, नहीं तो क्या होता है वो नीचे बैठ जाता है बैटर में। अभी मैं ड्राई इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ। कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स करना है धीरे धीरे। दोस्तों ये बैटर को है ना कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स करना है। ये देखो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अराउंड 5 से 6 मिनट लगता है मिक्स करने के लिए। ये हो चुका है, अभी इसी में हम आलमंड डालेंगे। आलमंड डालते हैं, इसको भी कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स करना। दोस्तों ये इसमें मैंने डाल दिया है ट्रे में, इसको अच्छे से टैप करना है क्योंकि इसके अंदर में हवा नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने गैस में एक कढ़ाई रखा है, उसको मैंने अराउंड कितना 10 मिनट गर्म किया है, प्री हीट किया है। अभी यही बैटर के टीन को है ना मैं इसमें रखूंगी, थोड़ा संभाल के रखना है क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है। यहाँ पे हनी सिरप करना है। पहले हमने शुगर को और 1/4 कप पानी में डिजोल्व किया और थोड़ा सा गर्म किया, और उसी में 1/4 हनी डाल के ऐसे हमने सिरप बनाया। वैसे ही हमने जाम को भी मेल्ट किया है, आप देख सकते हैं। इसको भी मैंने 1/4 कप पानी में थोड़ा सा 1/4 कप जाम उसको अच्छे से मेल्ट किया है। तो हनी केक है, इसको मैं इसमें बटर पेपर है उसको निकालूंगी। बहुत अच्छा से बना है, आप देख सकते हैं। और इसको है ना बीच में से मैं कट करूंगी। दोस्तों इसको मैं बीच में से कट कर रही हूं, ये ब्रेड नाइफ से कट कर रही हूं। ये कट हो चुका है, बहुत अच्छा बना है आप देख सकते हैं, सुपर सॉफ्ट एंड हुआ है। अब इसको इसे भी हम हनी सिरप डालेंगे, अच्छे से डालना है क्योंकि वो अच्छे से सोक हो जाए और वो जूसी हो जाए। साइड में से भी डालना है।
वैसे ही सेकेंड लेयर को भी ऐसे ही हनी सिरप डालना है। इसको भी हनी सिरप डाल दिया है, अब इसको हम बाजी में रखेंगे, फ्राएंगे। अब इसी में हम जाम लगाएंगे, थिन लेयर लगाना है। इसको जाम लगा दिया, अब इसके ऊपर ये दूसरा लेयर लगाएंगे। इसी में दूसरा लेयर रख दिया है, अब इसके ऊपर हम जाम डाल के स्प्रेड करेंगे। ऐसे जाम को सब जगह पे स्प्रेड कर दो और इसको है ना 3 घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ दो। ये अच्छे से मस्त अच्छा से मॉइस्ट हो जाएगा। 3 घंटे के बाद इसे हम कट करेंगे। इम्यूनिटी बूस्ट हनी केक रेडी है, बहुत टेस्टी है, बना है। आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। इम्यूनिटी बूस्ट हनी केक विथ आलमंड रेडी है, बहुत मॉइस्ट हुआ है और टेस्टी और यम्मी बना है। आप भी ट्राई कीजिए, आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए वारिकेश के साथ। आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वारिकेश चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वैसे ही बेल बटन को जरूर दबाइए, आपको नई वीडियोस मिल जाएंगे।